Welcome back to the AS levels class of chemistry. You know, हम लोग केमिस्ट्री में क्या पढ़ रहे हैं बेटा जी? केमिस्ट्री में आप लोगों को आई थिंक केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाई जा रही है. ठीक है, और केमिकल बॉन्डिंग में सबसे पहले नंबर पे आपको कौन सी बॉन्डिंग सिखाई गई है? मेटालिक बॉन्डिंग सिखाई गई है. और मैं उम्मीद करता हूं कि मैंने मेटालिक बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट को मुकम्मल कर दिया है. जी तो बच्चों, प्लीज बताइए क्या मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में कुछ रहता है? आखिरी लाइन बताएंगे मुझे मेटालिक बॉन्डिंग के बारे में लिखी हुई. ताकि मैं जान सकूं कि मैंने उसको मुकम्मल करवाया है कि नहीं करवाया. जी बच्चों, आप लोगों से गुजारिश है कि लास्ट लेक्चर की आखिरी लाइन जरा मैसेज कर दीजिए ताकि मैं बात को आगे बढ़ा सकूं. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. चलें, आई थिंक मैंने मेटालिक बॉन्डिंग पढ़ाने के लिए मेटालिक क्रिस्टल लैटिस समझाया होगा. फिर उस मेटालिक क्रिस्टल लैटिस को देखते हुए उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाई होंगी. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज में जो सबसे इंपॉर्टेंट तरीन प्रॉपर्टीज हैं उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है कि मेटल्स आर ऑल सॉलिड्स, क्योंकि उनके दरम्यान में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है जिसको आप मेटालिक बॉन्डिंग कहते हैं. ठीक है, फिर जी दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ये बड़ी उनकी दूसरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है. ठीक है, बिकॉज उनके अंदर डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. ठीक है, और वो डीलोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्री होते हैं या वो मोबाइल होते हैं या वो मूव कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर जब उनके अक्रॉस कोई बैटरी लगाई जाती है या कोई पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप किया जाता है. खैर, फिर आपने लिखा होगा कि सर ये मेलिएबल होते हैं या ये डक्टाइल होते हैं. ठीक है, डक्टाइल की प्रॉपर्टी समझाइए, कुछ स्लिप फिनोमेना समझाया कि मेटल्स का लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है और उन लेयर्स में लेयर्स कैन स्लाइड ओवर ईच अदर. ठीक हो गया जी. सो एक आई थिंक एक चीज रह गई है कि इनकी पानी के साथ इनकी सॉल्युबिलिटी रह गई है. आई थिंक सॉल्युबिलिटी का जुमला नहीं लिखवाया था. प्लीज बताइए सॉल्युबिलिटी के बारे में कुछ लिखवाया. सॉल्युबिलिटी इन वाटर भी तो एक प्रॉपर्टी है, वो लिखवाया नहीं. ओके, एक काम करो, आखिरी जुमला लिखो, मेटल्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर. Metals are insoluble in water. बल्कि देखिए, metals do not dissolve in water, rather react with water. Metals do not dissolve in water, rather react with water. अब जो reaction है, reaction तो मैं भी नहीं पढ़ा सकता ना. Reaction तो मैं आपको बाद में ही अगले chapter में पढ़ाऊंगा जब मैं chemical reactions वाले chapter पे जाऊंगा. अभी हमारा chemical reactions वाला chapter थोड़ी ना चल रहा है. ठीक है, मुझे उम्मीद है मेटल्स की अंडरस्टैंडिंग आपकी 100% क्लियर हो गई होगी कि मेटल्स कैसे एग्जिस्ट करते हैं, मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है. आई थिंक जो भी पूछना है आप पूछ लीजिए मुझसे बेशक. मेटालिक बॉन्डिंग को लेकर अगर आपके दिमाग में कोई सवाल है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं. नो ओके जी. सो व्हेन आई एम डन विद दिस मेटालिक बॉन्डिंग, ठीक है, लेट मी टेल यू मेटालिक बॉन्डिंग की नेचर क्या है. इट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. इट इज दिस इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विच इज इलेक्ट्रोस्टैटिक इन नेचर. पॉजिटिव और नेगेटिव के दरम्यान की ये फोर्स है. अब जब आप पॉजिटिव और नेगेटिव के दरम्यान में देखें ये जो मेटालिक बॉन्डिंग है, व्हाट इज इट? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक. व्हाट इज इट? इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है. बिटवीन क्या क्या, अगर आप गौर करें तो बिटवीन ऑपोजिटली, ये भी ऑपोजिटली चार्ज्ड, ऑपोजिट चार्जेस के दरमियान है. इट इज बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस. बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस, हाँ, ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस में नहीं कह रहा. इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस के रूप कह रहा हूँ. ठीक है, बिटवीन नेगेटिवली चार्ज्ड सी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड अ पॉजिटिवली चार्ज्ड जो भी है मेटल आयंस. तो ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस नहीं है,
opposite charges. That is negatively charged kya? That is negatively charged delocalized electrons and positively charged metal ions. क्या मैं जुमला लिख सकता हूँ? क्या मैं कह सकता हूँ मेटालिक बॉन्डिंग इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस. मैं बड़ी एहतियात कर रहा हूं, मैंने ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस नहीं लिखा. हाँ, ये आप पिछले पेज पे, पिछले आज के लेक्चर पे नहीं, आज के लेक्चर पे नहीं बल्कि चलो पेज के हेडर पे या साइड नोट है या पेज के हेडर पे कहीं भी लिख दो. आज मैं आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा नहीं रहा, आज मैंने नेक्स्ट बॉन्डिंग स्टार्ट करनी है. और वो नेक्स्ट बॉन्डिंग कौन सी है? वो है जी आयोनिक बॉन्डिंग. आयोनिक बॉन्डिंग को स्टार्ट करने के लिए, आयोनिक बॉन्डिंग को स्टार्ट करने के लिए मैं मेटालिक बॉन्डिंग के साथ आपको एक जुमला लिखवा रहा हूं. और मैंने क्या जुमला लिखवाया है कि जी मेटालिक बॉन्डिंग भी क्या थी? इट वॉज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन ऑपोजिट चार्जेस. कौन से ऑपोजिट चार्जेस थे? सर, नेगेटिवली चार्ज्ड सी ऑफ डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स था और पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस थे. उनके दरमियान में नेगेटिवली चार्ज्ड डी लोकलाइज्ड इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिवली चार्ज्ड मेटल आयंस के दरमियान में एक फोर्स थी जिसको आपने मेटालिक बॉन्डिंग बोला. अब ऑपोजिटली चार्ज्ड आयंस के दरमियान अगर प्रॉपरली आयंस हो जाए ऑपोजिट, तो उनके दरमियान में भी एक फोर्स होती है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा जी? उसको हम आयनिक बॉन्डिंग बोलते हैं. ठीक है जी, सुनिएगा जरा गौर से प्लीज. व्हाट इज आयनिक बॉन्डिंग? इसके बारे में अगर मैं लिखवाऊं तो ये है, आज का लेक्चर यहां से स्टार्ट होता है. इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. It is an electrostatic force of attraction between क्या? वो तो opposite charges लिखा था, oppositely charged ions नहीं लिखा था. हाँ, अभी मैं लिखा रखूँ. It is an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Between oppositely charged ions. It is an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. ठीक है, वो कौन होते हैं? That are formed कैसे? ये जो oppositely charged ions होते हैं, that is क्या चीज? Cations and anions. It is an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions that are formed by what? That are formed by the, एक लफ्ज सुना होगा आप लोगों ने ओ लेवल्स में, कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन. दैट आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम क्या टू क्या? फ्रॉम मेटेलिक एटम्स टू नॉन मेटेलिक एटम्स. फ्रॉम मेटेलिक एटम्स, it is an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions that are formed by the complete transfer of electrons from metallic atoms to non-metallic atoms. It is an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions that are formed by the complete transfer of electrons from metallic atoms to non-metallic atoms in an ionic compound. That are formed by the complete transfer of electrons from metallic atoms to non-metallic atoms. Is jumle ko kaise end karun? It is an electrostatic force of attraction between oppositely charged ions. Yahan comma hai. That are formed by the complete transfer of electrons from metallic atoms to non-metallic atoms. फिर एक कॉमा है. तो
इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड, इन एन आयनिक कंपाउंड। तो यू नो मैंने क्या लिखा, दोबारा से सुनिए। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। सो क्या है जी, इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस इन एन आयनिक कंपाउंड। बीच की बात तो एक्स्ट्रा है, कौन सी बीच की बात, इस कॉमे से लेकर इस कॉमे तक, वो जो वो तो एक्स्ट्रा बात लिखी है। क्या लिखा है वहां पे, वहां ये लिखा हुआ सर ये जो अपोजिटली चार्ज्ड आयंस होते हैं ये कैसे फॉर्म होते हैं, दैट आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। चूंकि आई होप आपको मालूम होगा कि मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स लूज करना और नॉन मेटल्स की टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करना। ठीक है, कौन से मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, उनकी लो आयोनाइजेशन एनर्जी होती है वो इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं। नॉन मेटल्स के पास एक टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन्स गेन करने की। ठीक है, मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स लूज करते हैं, नॉन मेटल्स इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं। ठीक है, जब एक लूज करता है और दूसरा गेन करता है तो व्हाट हैपेंस सर जी, एक आयनिक कंपाउंड फॉर्म होता है। ठीक है, अपोजिटली चार्ज्ड आयंस फॉर्म होते हैं, वो आपस में एक दूसरे को चिपक जाते हैं, जब वो चिपक जाते हैं तो एक आयनिक लैटिस बनती है। ठीक है, और उस आयनिक क्रिस्टल लैटिस को हम क्या बोलते हैं, उस आयनिक क्रिस्टल लैटिस को हम यू नो आयनिक कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है, खैर बहरहाल इसकी मजीद साइंस में जाने के लिए मैं थोड़ा सा डिस्कशन करता हूँ, मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ आपको। इट इज एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिटली चार्ज्ड आयंस दैट आर फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मेटल्स टू नॉन मेटल्स इन एन आयनिक कंपाउंड। तो यहाँ पे एक तो मुझे आपको एक आयनिक कंपाउंड भी थोड़ा सा मुझे आपको यहाँ पे आयनिक कंपाउंड की अंडरस्टैंडिंग भी देनी है। व्हाट इज एन आयनिक कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड होता है बेसिकली सर कोई भी मेटल जब किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, जब भी कोई मेटल किसी नॉन मेटल से रिएक्शन करता है, मेटल प्लस नॉन मेटल जब रिएक्शन होता है तो क्या चीज बनती है सर, एक आयनिक कंपाउंड बनता है। अच्छा, मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की, नॉन मेटल्स की टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की, और जब एक होता है कैटायन बनता है, एक एनायन बनता है। ठीक है, जब एक कैटायन बनता है एक एनायन बनता है। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर मैं इसका दरमियान का स्टेप लिखूं तो मेटल्स क्या करते हैं लूज करते हैं, और नॉन मेटल्स क्या करते हैं, मेटल्स लूज एंड नॉन मेटल्स गेन। ठीक है, जब वो एक लूज और दूसरा गेन कर लेता है व्हाट हैपेंस देन सर, एक आयनिक कंपाउंड बन जाता है। जब मेटल्स लूज करते हैं, नॉन मेटल्स गेन करते हैं, मेटल्स कैटायंस बना लेते हैं, नॉन मेटल्स एनायंस बना लेते हैं, तो जो कैटायंस और एनायंस होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, वो आपस में चिपक कर एक आयनिक कंपाउंड बना देते हैं। खैर इसकी डिटेल एग्जांपल देने के लिए मुझे आपको क्या समझाना है, इसकी डिटेल एग्जांपल देने के लिए मुझे आपको एग्जांपल के तौर पर सोडियम क्लोराइड की एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। फॉर एग्जांपल अगर हम एग्जांपल लेंगे तो एग्जांपल हम लेंगे सोडियम क्लोराइड की, कि सोडियम जो है वो रिएक्शन करता है क्लोरीन के साथ और क्या चीज बनती है, ऐसा नहीं लिखिए ऐसे लिखिए, फॉर एग्जांपल सोडियम रिएक्ट्स विद क्लोरीन टू फॉर्म क्या, टू फॉर्म सोडियम क्लोराइड। अच्छा, मुझे रिएक्शन नहीं समझाना, मुझे आपको सिर्फ और सिर्फ ये सोडियम क्लोराइड समझाना है। ठीक है, व्हाट इज दिस सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड में सोडियम के आयंस होंगे कौन से वाले, वन पॉजिटिव, और क्लोरीन के आयंस होंगे कौन से वाले, वन नेगेटिव। तो उनका अगर आप वो ओ लेवल्स की तरह क्रॉस बेस बनाने की कोशिश करेंगे, सोडियम आपको आई होप मालूम है ग्रुप नंबर 1 का है, उसकी जनरल वैलेंसी है एक लूज करना, क्लोरीन ग्रुप नंबर 7 का है,
उसकी जनरल वैलेंसी है एक गेन करना, सोडियम के ऊपर चार्ज आता है वन पॉजिटिव, क्लोरीन के ऊपर चार्ज आता है वन नेगेटिव, तो वन पॉजिटिव वन नेगेटिव आपस में क्या करते हैं क्रॉस बेस, अगर वो क्रॉस बेस कर लें तो क्या चीज बनती है? हाँ जी, जब वो क्रॉस बेस कर लेते हैं व्हाट डू दे फॉर्म? सर जी दे फॉर्म NaCl, नीचे लिखिएगा NaCl, दिस इज दैट सोडियम क्लोराइड, ठीक है, दिस इज दैट सोडियम क्लोराइड, ठीक है। अब इस सोडियम क्लोराइड को, इससे पहले कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं, इससे पहले कि मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊं, प्रॉपर्टीज पढ़ाने से पहले जरा वो ओ लेवल वाला काम कर लेते हैं, कौन सा? एक होती थी इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम और पता नहीं डॉट एंड क्रॉस फार्मूला और ये और वो, ठीक है, इनका वो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम या डॉट एंड क्रॉस फार्मूला समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अगर आप ये सोडियम की बात मुझसे करेंगे तो सोडियम होता है 11 और इसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है क्या 2.8.1। क्लोरीन की बात करेंगे तो क्लोरीन बेसिकली अगर आप उसका एटम पूछेंगे तो वो होता है क्लोरीन Cl, उसकी कॉन्फ़िगरेशन होती है 17 के हिसाब से 287, ठीक है। सोडियम क्या करता है? एक लूज करता है। क्लोरीन क्या करता है? एक गेन करता है। सोडियम के ऊपर क्या आता है? वन पॉजिटिव चार्ज आता है। क्लोरीन के ऊपर क्या आता है? वन नेगेटिव चार्ज आता है, ठीक है, ठीक है जी। इन आयनिक कंपाउंड्स को, बल्कि एक सेकंड रुको जरा यार, एक काम करो ना, ऐसे लिखो भाई, ये रिएक्शन लिखने के बाद मुझे इनकी ना डॉट एंड क्रॉस डायग्राम तक जाना है, तो सोडियम की रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखो Na, Na इज 11, क्लोरीन की रिप्रेजेंटेशन के लिए लिखो Cl, एंड Cl के नंबर्स आर 17, सोडियम की कॉन्फ़िगरेशन लिखो सबसे पहले 281, क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन लिखो 287, फिर क्या करो, फिर सोडियम के नीचे लिखो, सोडियम के नीचे लिखो इट्स वैलेंसी इज, सोडियम की वैलेंसी इज इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, इट विल लूज वन इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन के नीचे लिखो इट्स वैलेंसी इज टू गेन वन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जब एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो इसके ऊपर चार्ज लिखो वन पॉजिटिव, जब ये गेन करेगा इसके ऊपर चार्ज लिखो वन नेगेटिव। इनका जो ये क्रॉस बेस फॉर्मूला होगा, इनका जो पिछला पेज कर दें एक बार, दो मिनट रुको भाई, इनका जो ये क्या चीज है, इनका जो ये क्रॉस बेस फॉर्मूला है, देर क्रॉस बेस फॉर्मूला इज जी सोडियम क्लोराइड है, व्हाट इज इट, देर फॉर्मूला इज NaCl। और ये आप कहां से निकालोगे, ये आप कहां से निकालोगे बेटा जी, ये आप इस Na1 plus Cl1 negative का जब क्रॉस बेस करोगे तो देर यूं लिखना, देर क्रॉस बेस फॉर्मूला इज क्या, वो जो आपने पिछले पेज पे यहां लिखा है NaCl, NaCl, ठीक है जी। तो भाई यहां तक किसी को परेशानी? आयनिक बॉन्डिंग पढ़ा रहा था, बीच में कहीं आ गई आयनिक कंपाउंड्स, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल आपको दे रहा हूं, ठीक है, आयनिक कंपाउंड की एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि बेसिकली कोई भी मेटल किसी भी नॉन मेटल से जब रिएक्शन करता है तो आयनिक कंपाउंड बनता है। मिसाल के तौर पर उसकी सबसे टिपिकल तरीन एग्जाम्पल क्या है, सबसे टिपिकल तरीन एग्जाम्पल ये सोडियम क्लोराइड की है, कि सोडियम और क्लोरीन जब रिएक्शन करते हैं तो सोडियम क्लोराइड बनाते हैं। सोडियम मिसाल के तौर पर अगर Na है, क्लोरीन मिसाल के तौर पर अगर Cl है, ठीक है, क्लोरीन के नंबर्स हैं, एटॉमिक नंबर है 11, कॉन्फ़िगरेशन है 281, क्लोरीन की एटॉमिक नंबर है 17, कॉन्फ़िगरेशन है 287, सोडियम लूज करता है एक इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन गेन करता है एक इलेक्ट्रॉन, सोडियम के ऊपर आता है वन पॉजिटिव का चार्ज, क्लोरीन के ऊपर आता है वन नेगेटिव का चार्ज, क्रॉस बेस फॉर्मूला होता है NaCl जी। सो हमें ना सिर्फ और सिर्फ बेटा ये क्या बोलते हैं, क्रॉस बेस फॉर्मूले नहीं पढ़ने, हमें इसका डॉट एंड क्रॉस डायग्राम या डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी पढ़ना है। हमें क्या करना है भाई, हमें सिर्फ इनका क्रॉस बेस फॉर्मूला नहीं पढ़ना, हमें इनकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम और डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला भी पढ़ना है, ठीक है। सो एक काम करते हैं, अगली हेडिंग दीजिए डॉट एंड क्रॉस डायग्राम्स, डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड, ऑफ व्हाट, ऑफ अ फॉर्मूला यूनिट,
डॉन क्रॉस डायग्राम ऑफ अ, बाकी चलो एक सेकेंड फॉर्मूला इन्होंने छोड़ो, डॉन क्रॉस डायग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड। डॉट एंड क्रॉस का मतलब क्या है कि सर आप क्या करेंगे, डॉट यूज करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ सोडियम, वन पॉजिटिव आयन, और फिर आप क्रॉसेस इस्तेमाल करेंगे फॉर द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ क्लोरीन, Cl, वन नेगेटिव आयन, ठीक है। और आप डायग्राम बनाएंगे कैसी, सोडियम क्लोराइड में एक होता है Na और एक होता है Cl, ठीक है। कैसे होगा जी, देयर इज दिस सोडियम, अगर आप क्या करें, देयर इज दिस फर्स्ट शेल, देन देयर इज द सेकेंड शेल, ठीक है। क्या होगा, पहले शेल में इसके बिल्कुल ओ लेवल्स है, बिल्कुल ओ लेवल्स है, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे शेल में इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है, वो आप कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हैं, 2-8-1 से देख सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल मैं ओ लेवल्स की तरह कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, कुछ भी नया नहीं पढ़ा रहा, इसलिए मैं बस एक फ्लो में जा रहा हूँ, ठीक है। और ये बेसिकली क्या बन चुका है सर, ये बेसिकली इसके ऊपर एक ओवरऑल वन पॉजिटिव का चार्ज आ चुका है। इसी तरह जब आप यहाँ क्लोरीन बनाएंगे तो क्लोरीन का क्या सीन है, क्लोरीन के दो नहीं, क्लोरीन के तीन शेल्स हैं, पहला, दूसरा और ये तीसरा। अच्छा, उसके तीन शेल्स का क्या सीन है, इसके थोड़े से बड़े करके बनाता हूं, एक दो, देन देयर इज दिस थर्ड वन जी। पहले शेल में सर जी इसके दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में 8 हैं, 2-8, और तीसरे में कितने सर, तीसरे में इसके अपने तो 7 हैं, अपने इसके 7 हैं, 2, 4, 6 और ये 7, और आठवां किधर है, आठवां किधर है भाई, आठवां इसने जो एक इलेक्ट्रॉन अपना लूज किया है, इसने वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लिया है, और इसके गेन करने के बाद ये चीज क्या बन चुकी है सर, ये ओवरऑल जो है ना वो एक वन नेगेटिव का आयन बन चुका है। यहां तक किसी को परेशानी, और इस पॉजिटिव और इस नेगेटिव आयन के बीच में, इस पॉजिटिव और उस नेगेटिव आयन के बीच में क्या है भाई, सर जी एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम क्या कहते हैं सर जी, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को हम आयनिक बॉन्डिंग कहते हैं। खैर, इस आयनिक बॉन्डिंग की तरफ मैं थोड़ी देर बाद भी जाऊंगा, ठीक है। मैं वैसे एक छोटी सी बात आपको लिखाना चाहता हूँ, इफ वी ड्रॉ द वैलेंस शेल्स ओनली देन इट इज नोन एज डॉट क्रॉस फार्मूला। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है जी, एक कॉन्सेप्ट होता है ये डॉट क्रॉस डायग्राम है, फिर एक बनाइए डॉट एंड क्रॉस फार्मूला। डॉट एंड क्रॉस फार्मूला, इसमें क्या होता है, ओनली द वैलेंस शेल इज शोन, ओनली द वैलेंस शेल इज शोन। कैसे, अगर मैं कहूँ सोडियम की बात करनी है तो सर सोडियम का तो वैलेंस शेल ही उड़ चुका है, सोडियम के तो वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और उसको उड़ा दिया जा चुका, सोडियम के वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन था और उसको उड़ा दिया जा चुका, तो उसके ऊपर तो वन पॉजिटिव है। जहां तक ताल्लुक है क्लोरीन का, सर जी क्लोरीन के 2, 4, 6 और ये 7 उसके अपने थे, एक उसने कहीं से गेन किया हुआ था, एंड इट इज समथिंग लाइक दिस। इसमें आप गोले भी ना बनाए तो मसला नहीं, इसमें अगर आप ये जो गोल गुलाई ये जो है ये भी ना बनाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। और चलो बना दो तो अच्छी बात है, बना दो तो अच्छी बात है। सोडियम इज वन पॉजिटिव एंड क्लोरीन इज, यू नो व्हाट, क्लोरीन इज समथिंग लाइक दिस, और इसमें इसमें क्या करना है, एक क्रॉस, दूसरा क्रॉस, 2, 4, 6 और 7 इसके अपने,
और एक इसका ये, एंड यू नो व्हाट इज इट, इट इज लाइक दिस. अब यूं बना लो या यूं बना लो, एक ही बात. इसको हम क्या कहते हैं, चलो इसको डॉट एंड क्रॉस डायग्राम भी कह सकते हैं, बट इट इज बेटर टू कॉल इट डॉट एंड क्रॉस फार्मूला. डॉट एंड क्रॉस फार्मूला बोल दें इसको आप, ठीक है, जिसमें आप सिर्फ क्या करते हैं, ओनली द वेलेंस शेल इज शोन, ओनली द वेलेंस शेल इज शोन. जी, यहां तक किसी को परेशानी है? Will not the second shell of sodium become valence shell? To some extent you can say, okay, काम करते हैं. वो इस बच्चे ने बोले कि सर सोडियम का जो दूसरा शेल है जो पीछे रह गया है, क्या इसको आप वेलेंस नहीं बोलेंगे? चलो मर्जी है भाई, अगर आप कहते हो सर सोडियम का जो ये वाला 2.8 था अब वो वेलेंस शेल बन चुका है, ठीक है, इसको आप ऐसे रिप्रेजेंट कर लो, सर सोडियम का आयन ये आ गया और क्लोराइड का आयन जो है वो 2, 4, 6, 7 और ये भी ठीक है, इसमें भी कोई गलती नहीं है. ए लेवल्स के हिसाब से इसमें भी कोई गलती नहीं है, ए लेवल्स के हिसाब से इसमें भी कोई गलती नहीं है कि सर सोडियम का जो है ना ये जो सेकंड शेल है, नाउ इट बिकम्स द वैलेंस शेल इट नाउ. अब ये तो अब सवाल वाले के ऊपर डिपेंड करता है कि वो वैलेंस, वैसे तो जो लॉस हुआ है, जो जो शेल लूज हो गया उसको वैलेंस शेल बोलेंगे हम. वैसे तो वैलेंस शेल कौन सा है, द लॉस्ट शेल इज द वैलेंस शेल, बट यू कैन, यू नो व्हाट, क्या कह सकते हैं, अगर वो लूज हो गया तो पीछे जो बच गया वो भी आप प्रेफरेबली दोनों नो बिग डील, ये पेपर में सवाल ही नहीं आएगा. चलो प्रेफरेबल क्या है, नहीं आएगा पेपर में ये सवाल, ये तो बस बेसिक्स के लिए. आप देख रहे हैं मैं ओ लेवल्स की तरह बस उसको स्टार्ट कर रहा हूँ, ओ लेवल्स है यार, इसमें तो कोई अनोखी बात ही नहीं, ठीक है. अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि ए लेवल्स में सवाल आएगा, नो आई एम सॉरी, ए लेवल्स में सवाल नहीं आएगा, ठीक है. चलो अच्छा जी, ये सारा लिखने के बाद, ये सारी एग्जांपल लिखने के बाद एक काम करें, एक और एग्जांपल दें प्लीज. नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड की. नेक्स्ट एग्जांपल मैं देता हूं आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड की, एग्जांपल नंबर 2. जल्दी से जरा प्लीज बना दीजिए. एग्जांपल नंबर 2 इज अगर मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को आप आपस में जोड़ते हैं, उनका कोई कंपाउंड बनाने की कोशिश करते हैं, तो वो क्या होगा, दैट विल बी मैग्नीशियम ऑक्साइड. ओके, जो लोग अभी पिछले पेज पर हैं ये लीजिए भाई, जी सर, ऑल दिस इज ओ लेवल्स, यस ऑफ कोर्स बेटा, सारा ओ लेवल्स ही, सब ओ लेवल्स ही, ठीक है. ये देखो जी, अगर मैं कहूँ पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम Mg है, ऑक्सीजन O है, मैग्नीशियम 12 है, ऑक्सीजन 8 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 2 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 2, 6 है, इसकी वैलेंसी होगी 2 लूज करना, ठीक है. ये मैग्नीशियम क्या करेगा, मैग्नीशियम विल, इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल व्हाट, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा Mg2 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आ जाएगा O2 नेगेटिव. इनका जो क्रॉस बेस फॉर्मूला होगा वो क्या होगा जी, MgO, देयर क्रॉस बेस फॉर्मूला इज व्हाट, इज MgO, ठीक है. कैसे, दोनों का सेम है, ये वाला 2, जब दोनों का चार्जेस सेम होते हैं तो कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है. तो हमने सिर्फ क्रॉस बेस फॉर्मूला नहीं, हमने इनका डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला देखना है. डॉट एंड क्रॉस फॉर्मूला देखने के लिए पहले मुझे डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनानी पड़ेगी. पहले क्या बनाते हैं जी, पहले हम इसकी डॉट एंड क्रॉस डायग्राम बनाते हैं, जिसमें क्या किया जाता है, जिसमें सारे शेल्स शो किए जाते हैं. जब सारे शेल्स शो किए जाएंगे तो क्या सीन होगा भाई, सीन ये होगा सर जी, देयर इज दिस मैग्नीशियम, पहले में 2 हैं और दूसरे में क्या सीन है सर, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक हो गया जी.
शीशे में जो दो थे वो दोनों लूज हो चुके हैं, अब वो लूज होकर क्या बन चुका है, सर टू पॉजिटिव बन चुका है। ऑन द अदर हैंड ऑक्सीजन, सर पहले शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में क्या सीन है, सर दूसरे में अपने इसके जाती तौर पर जो है वो आठ हैं, दो चार छः, और जो इसने गेन किए हैं वो दो हैं, तो भी टोटल आठ हो गए हैं। इसके ऊपर चार्ज है टू नेगेटिव है, दैट इज इट। इसको हमने बोला है डॉर्टन क्रॉस डायग्राम। और अगर आप कहते हैं डॉर्टन क्रॉस फॉर्मूला, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने क्या शो करना होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपने वेलेंस शेल को शो करना होता है, जिसमें आपने वेलेंस शेल को शो करना होता है, तो लेट मी टेल यू कि मैग्नीशियम का कोई भी वेलेंस शेल नहीं है। मैग्नीशियम ने वेलेंस शेल लूज कर दिया है Mg2 पॉजिटिव, और ऑक्सीजन ने पहले में दो, मतलब पहले नहीं, सीधा सीधा वेलेंस बनाओ, छः उसके अपने और दो उसने क्या किए हुए, गेन किए हुए, और उसके ऊपर चार्ज क्या, उसके ऊपर चार्ज टू नेगेटिव। जी, फर्स्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स पेयर्ड क्यों नहीं किए, कर लो जी। फर्स्ट शेल में ये जो दो Mg के, अगर आप इनको पेयर करना चाहते तो भी आपकी मर्जी, नहीं मर्जी है, नंबर नहीं करते यहाँ पे, ये ऐसी बातें नहीं जिसमें कोई नंबर शंबर की परेशानी हो, ठीक है। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड की एग्जांपल हो गई, बच्चों समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा। एक और एग्जांपल डिस्कस करता हूं। नेक्स्ट एग्जांपल इज मिसाल के तौर पे एल्यूमिनियम ऑक्साइड। अगर मैं एग्जांपल नंबर 3 डिस्कस करूं, बच्चों पिछले पेज को कर चुके हो, एनीवन? चलो, एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा जी, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये जल्दी से पिछला पेज देख लो भाई, जिस किसी ने भी पिछले पेज को देखना है जल्दी से प्लीज देख लीजिए। ओके सर, ओके। एल्यूमिनियम को अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखो तो Al के साथ 13 लिखा होगा, ऑक्सीजन में O के साथ 8 लिखा होगा। इसकी कॉन्फ़िगरेशन 283 है, इसकी कॉन्फ़िगरेशन 26 है। इसने क्या करना, इट विल लूज 3 इलेक्ट्रॉन्स, इट विल गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसके ऊपर चार्ज आएगा एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, इसके ऊपर चार्ज आएगा ऑक्सीजन का O2 नेगेटिव, और इनका जो क्रॉस बेस फॉर्मूला होगा, देयर क्रॉस बेस फॉर्मूला इज क्या जी, Al2O3। सर हम गेंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा सकते ड्राइंग में, नहीं गेंड मतलब क्या, मतलब गेंड इलेक्ट्रॉन्स नहीं दिखा सकते, वही दिखा रहे ना भाई, एक ने लूज किए दूसरे ने गेन किए। What do you mean, बेटा मुझे आपका सवाल ऑनेस्टली नहीं समझ आया। एक साथ मतलब, एक साथ का मतलब क्या है, आपके दिमाग में जो भी है प्लीज उसकी ड्राइंग बना के मुझे व्हाट्सएप कर दें, फिर मैं देखता हूँ क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। खैर, ये इसका क्रॉस बेस फॉर्मूला हो गया। मैंने अगली एग्जाम्पल क्या करानी है जी, अगला क्या कराना है, इसका डॉटन क्रॉस डायग्राम कैसे बनेगी और डॉटन क्रॉस फॉर्मूला कैसे बनेगा। सुनो जी, डॉटन क्रॉस डायग्राम में सारे शेल्स आपने शो करने हैं, सारे शेल्स के लिए देयर यू गो, दिस इज एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम का पहला शेल, फिर एल्यूमिनियम का दूसरा शेल, इसी तरह यहाँ पर इसके बाद आपके पास एक ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीजन का पहला शेल, फिर ऑक्सीजन का दूसरा शेल। एल्यूमिनियम में पहले में कितने हैं जी, दो इलेक्ट्रॉन्स हैं, दूसरे में कितने हैं जी, आठ इलेक्ट्रॉन्स हैं, दो चार छः और ये आठ, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, सर इसके ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव का, ठीक हो गया। ऑक्सीजन में पहले में दो हैं सर, दूसरे में एक, दो तीन चार पांच
पांच और छ, क्या ये कह रहे हो बेटा? फातिमा आप ये कह रहे हो कि इसने दो गेंद करने हैं तो एक गेंद इधर करा दें, एक गेंद इधर करा दें, आप पे ये सवाल है क्या? प्रॉब्लम वैसे इसमें भी नहीं है, पिछले पेज पे तो अब पता नहीं आप क्या लिख रहे हो, 7YEZ क्या लिखा है? यहाँ पे देखो मैंने दो इलेक्ट्रॉन ऐसे लिखाए हैं, यहाँ ऑक्सीजन का जो दो इसने गेंद किया वो पेयर बनाया है, और यहाँ ऑक्सीजन जो दो गेंद किए हैं एक इसको गेंद कराए किसको, तो हाँ ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं। चार्ज इसके ऊपर क्या है? टू नेगेटिव। अब मसला ये है कि एल्यूमिनियम के दो आयन्स हैं और ऑक्सीजन के तीन आयन्स हैं, तो या तो यहाँ पे टू लिख दीजिए और यहाँ पे थ्री लिख दीजिए, या फिर एक और काम भी हो सकता है, या फिर एक और काम भी हो सकता है, देर इज दिस एल्यूमिनियम यू सी, इसके ऊपर चार्ज है थ्री पॉजिटिव, बताता हूँ, देर इज दिस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन पे एक दो तीन चार पाँच और छ, एक इधर गेन हुआ हुआ है, एक इधर गेन हुआ हुआ है, चार्ज इसके ऊपर क्या है? चार्ज इसके ऊपर टू नेगेटिव है। अब वो जो आपने एल है ना, एल के साथ यहाँ पे टू लिख दो और यहाँ पे थ्री लिख दो, ये भी ठीक है, या तो यहाँ टू और थ्री लिख दो, या फिर अगर यहाँ नहीं लिखते हो, या फिर अगर यहाँ नहीं लिखते हो तो बेटा फिर यहाँ पे टू और यहाँ पे थ्री लिख दो, नो बिग डील। एल्यूमिनियम के दो आयन्स है और ऑक्सीजन के तीन, ऑक्साइड के तीन आयन्स, या फिर एक काम करो एल्यूमिनियम के दो आयन्स ड्रॉ करो और ऑक्साइड के तीन आयन्स ड्रॉ करो, है एल्यूमिनियम के दो आयन्स ड्रॉ करो और ऑक्साइड के तीन आयन्स ड्रॉ करो, क्योंकि क्योंकि अगर आप इन दो को देखोगे तो आप क्या देखोगे जी? सर जी इधर इन दो एल्यूमिनियम के आयन्स ने क्या किया है? दे विल लूज सिक्स इलेक्ट्रॉन्स। ये जो तीन ऑक्सीजन के आयन्स हैं ये क्या करेंगे? दे विल गेन सिक्स इलेक्ट्रॉन्स, तब जाके इक्वेशन बैलेंस होएगी, क्योंकि एक एल्यूमिनियम तो तीन लूज करता है तो दो एल्यूमिनियम एटम्स छह लूज करेंगे, एक ऑक्सीजन दो गेन करता है तो तीन ऑक्सीजन छह गेन करेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड। ये टू और थ्री किस खाते में आया? कि एल्यूमिनियम का एक तीन लूज करता है तो एल्यूमिनियम के दो छह लूज करेंगे, ऑक्सीजन का एक दो गेन करता है तो ऑक्सीजन के तीन छह गेन करेंगे जी। अच्छा प्लीज ये बताइए, ये जो आपको मैंने आयनिक कंपाउंड्स पढ़ाए हैं इनके अंदर जो आइंस होते हैं उन आइंस की जो डॉट एंड क्रॉस डायग्राम होती है उसमें कोई प्रॉब्लम है? सब ओ लेवल्स नहीं है, प्योर ओ लेवल्स, एक भी लफ्ज अभी तक मैंने कोई नया इस्तेमाल नहीं किया। हाँ एक लफ्ज, चलो एक लफ्ज मैं नया इस्तेमाल कर लेता हूँ, एक लफ्ज मुझे नया याद आ रहा है कि मैंने जो लफ्ज इस्तेमाल करना है वो क्या है, आयनिक बॉन्डिंग के साथ एक लफ्ज इस्तेमाल करता हूँ, इट इज ऑल्सो नोन एज, इट इज ऑल्सो नोन एज इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, कोवेलेंट नहीं कहते उसको, कहते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है। खैर एक नाम है, नाम है, आयनिक ज्यादा आसान नाम है यार, आयनिक नाम ज्यादा आसान है, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्डिंग, ठीक है, इट्स जस्ट द नेम, इट्स जस्ट द नेम। बाकी मैंने, मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी नई चीज पढ़ाई है यार, बाकी मुझे नहीं लगता मैंने कुछ भी नया पढ़ाया है। हाँ नया मैं थोड़ा सा कल डिस्कस करूंगा जरूर, कल क्या NaCl डिस्कस हो गया, MgO डिस्कस हो गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड डिस्कस हो गया, कल के लेक्चर में क्या डिस्कस करेंगे बेटा जी? कल के लेक्चर में इंशाल्लाह क्या बनता है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जो असल टॉपिक है, प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड जो असल टॉपिक है वो कराऊंगा, ठीक है। अभी क्या करते हैं, अभी जनाब बिल्कुल जी केमिस्ट्री के लेक्चर को बाय बाय करते हैं, कल इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात करेंगे, सेम टाइमिंग्स, सेम वेन्यू, सेम आईडी, सेम जूम क्लास, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज, खुदा पामान, थैंक यू।